दोस्तों सरकार रिकमेंड करती है, प्रमोट करती है कि हम डिजिटल हों, ज़्यादातर काम डिजिटल हों, क्योंकि वो फास्ट होते हैं, उसमें करप्शन नहीं होता है और एक एंड टू एंड ट्रांजेक्शन होता है तो उसकी ट्रेल होती है। पर होता क्या है कि हम तो डिजिटल हो रहे हैं एक अच्छे के लिए, समाज के अच्छे के लिए, अपने खुद के अच्छे के लिए, लेकिन जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो खुद के अच्छे के लिए, आपको फ्रॉड करके पैसा कमाने के लिए, खुद को पैसा अर्निंग के लिए डिजिटल होते जा रहे हैं। दोस्तों आपने OLX के फ्रॉड के बारे में बहुत सुना होगा, OLX या इसी तरीके की जो वेबसाइट्स हैं, जो जहां पे आप अपने घर का पुराना सामान बेच सकते हो आसानी से, वो फ्रॉड काफी बढ़ रहे हैं। ये वेबसाइट जब आई थी तो लोगों ने सोचा था कि काफी फायदा होगा। डेफिनेटली मैं भी सोचता हूँ कि अगर मेरा पुराना मोबाइल है, इसके बदले मुझे कुछ पैसा मिल जाएगा तो बढ़िया होगा, क्योंकि मैं नया जो खरीदूंगा उसमें मुझे कम पेमेंट करना पड़ेगा। सोफा है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, मोटरसाइकिल है, तमाम ऐसी चीजें हैं जो इसमें बिकने लगी लगातार, और कुछ लोग नई भी बेचने लगे एज ए प्रमोशन, फ्लैट बेचने लगे, मतलब हर चीज इसमें आप बेच सकते हो, कुछ भी बेच सकते हो। तो ये एक बड़ी अच्छा प्लेटफॉर्म था और मैंने भी पहले, काफी पहले, एक अपना मोबाइल फोन बेचा था और अच्छी डील मुझे मिली थी। लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स ने सोफा बेचा, उनको अच्छा डील मिला। लेकिन आज की डेट में एक ये फ्रॉड का माध्यम भी बनता जा रहा है। कुछ दिन पहले मेरे साथ फ्रॉड हुआ, मेरे मेरे दोस्त के साथ, मेरे ब्रदर जैसा है उसके साथ फ्रॉड हुआ। अभी कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ में सुना होगा, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनकी बेटी के साथ ये फ्रॉड हुआ। आज मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करने वाला हूँ, आप उस बात को नोट करिएगा और जब भी कुछ ऐसा डील करने जाए तो जो मैं बातें बताने वाला हूँ उस पर पालन जरूर करिएगा। और ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, खुद की लाइफ से, खुद मेरे आंखों के सामने मेरे दोस्तों के साथ जब फ्रॉड हुआ तो मैंने देखा, तो मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले मेरे दोस्त ने एक मोटरसाइकिल के लिए एक OLX पे देखा। यहाँ पे मैं टू वे फ्रॉड बता रहा हूँ कि दो तरीके से फ्रॉड कैसे हो सकता है। एक होता है कि सामने वाली व्यक्ति ने आपको कॉन्टेक्ट किया और एक होता है कि आपने उसको कॉन्टेक्ट किया। तो मेरे दोस्त के साथ फ्रॉड पहले कैसे होता है वो बताता हूँ, फिर बताऊंगा सेकेंड स्टेप क्या हुआ। होता यह है कि मेरा एक दोस्त मुंबई में जो रहता है, उसने एक मोटरसाइकिल देखी मुंबई के रहने वाले व्यक्ति के साथ और उसने बोला कि सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदनी है, कुछ 25,000 रुपये में डील तय हुई। तो उस व्यक्ति ने बोला ठीक है, आप मेरा अकाउंट ले लीजिए और अकाउंट नंबर में पैसा डाल दीजिए, बोले या फिर गूगल पे कर दीजिए, उसने ऐसा बोला। अब होता क्या है कि वो मेरे दोस्त ने बोला नहीं, मैं मोटरसाइकिल पहले देखूंगा आके, उसके बाद ही पैसा दूंगा। लेकिन वो व्यक्ति सामने से इंसिस्ट करने लगा। उस व्यक्ति ने काफ़ी ज़्यादा अपने डॉक्यूमेंट्स शेयर किए, देखो मैं जेन्यून पर्सन हूँ। इवन उसने एक CRPF का एक आई कार्ड जो था, CRPF या BSF का एक आई कार्ड जो था वो भी शेयर किया, देखो मैं पैरा मिलिट्री फोर्सेज या आर्म फोर्सेज से हूँ और मैं एक जेन्यून पर्सन हूँ। भले ही उस ID कार्ड में उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था, काफ़ी ब्लर्ड तरीके से फोटो ली गई थी, लेकिन ये प्रूफ के तौर पे काफ़ी सारी चीज़ें दी गई। तो उसको लगा ठीक है भाई, वो जेन्युइन पर्सन है। तो उसने 13,000 रुपये के आसपास का पैसा जो था उसने ट्रांसफ़र कर दिया। उसने ट्रांसफ़र करने के बाद वो बोलता नहीं, आप सर पूरा कर दीजिए, आप विश्वास रखिए मेरा। इस तरीके से करते थोड़ा बातें हुई और वो लोग, और जो लोग फ्रॉडियर होते हैं वो बात करने में इतने ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं कि कब वो आपका दिल जीत लेंगे आपको मालूम नहीं चलेगा और कब आप उनकी बातों में फंस जाओगे मालूम नहीं चलेगा। तो मेरे दोस्त ने फिर से रिमेनिंग पैसा भी उसके अकाउंट में डाल दिया और उसके बाद से उसका फ़ोन नंबर वगैरह सब बंद हो गए। अब इसके हो जाने के बाद मेरे दोस्त ने पुलिस में कांटेक्ट किया। जब वो पुलिस में गया और वहाँ पे उसकी FIR और जो भी डिटेल्स दर्ज करनी करी गई तो मालूम चला उनके साथ साथ कई और लोग भी ऐसे आए थे जो यही प्रॉब्लम लेके आए थे कि उनके साथ भी ऐसा ही फ्रॉड हुआ था। ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया कि मैंने सामने वाले व्यक्ति को कॉन्टेक्ट किया। अब मैं आपको बताता हूँ रिवर्स इसका क्या हुआ। जो अरविंद केजरीवाल की बेटी के साथ भी वैसी ही चीज़ हुई, लेकिन दो अलग अलग तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि दो अलग अलग केसेस क्या हुए। पहला केस क्या हुआ कि एक चीज जो थी वो मेरे फ्रेंड बेचना वाला था अपने OLX के पोर्टल के थ्रू, और उसको एक बंदे ने कांटेक्ट किया कि सर ये मुझे बहुत ही अच्छी चीज पसंद आ गई है आपकी द्वारा, आपने यहाँ पे ऐड दिया हुआ है और इसका प्राइस भी ठीक है। और उसने निगोशिएट भी नहीं किया प्राइस और बहुत बढ़िया प्राइस लगा उसको, बोला सब ठीक है। बोला ठीक है सर, आप अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए और मैं इसमें पैसे डलवा देता हूँ। तो उसने बोला ठीक है, आप अकाउंट नंबर ले लो, कि आजकल डिजिटल का जमाना है, मोदी साहब भी हमारे डिजिटल बोलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी बोलते हैं डिजिटल हो, और मैं भी बहुत ज़्यादा डिजिटल खुद यूज़ करता हूँ, मेरे दोस्त भी ज़्यादातर डिजिटल ही यूज़ करते हैं। तो उसको कोई भी ऐसा शक नहीं लगा कि कोई दिक्कत होने वाली है। उसने वो अपना ID, अपना जो बैंक अकाउंट का डिटेल है, IFSC कोड दे दिया। देने के बाद उसके फ़ोन पर एक OTP आता है। उसने पूछा OTP क्यों आप दे रहे हो, आ रहा है मेरे पास, जबकि मैं पैसा मुझे मिलने वाला है, मैं दे तो नहीं रहा हूँ, फिर भी OTP मेरे फ़ोन में क्यों आया। बोला नहीं, OTP दे दीजिए, मुझे अकाउंट वेरीफाई करना है। बोला अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए OTP लग रहा है, मेरे मेरे बैंक वाले ने OTP मांगा है। तो फिर भी उसने थोड़ा रजिस्ट किया, लेकिन फिर एट द एंड उसने OTP दे दी, क्योंकि उसने ऐसी बातें बनाई कि OTP दे दी। OTP देने ही उसके करीब 5,000 रुपये कट गए अकाउंट से।
5,000 रुपये कटने के बाद उसने बोला ये तो 5,000 रुपये कट गया। तो बोलता नहीं नहीं सर सॉरी सर वो हम गलती से कट गया, आप एक काम करिए अभी दोबारा OTP आएगी मैं सारा पैसा आपको वापस कर दे रहा हूँ, 5,000 प्लस जो मुझे मटेरियल आपसे जो सामान आपसे खरीदना है उसका पैसा मैं आपसे सारा पैसा जोड़ के वापस कर देता हूँ। बोला ठीक है। दोबारा OTP आती है, OTP देते हैं और इस बार 15,000 रुपये कट जाते हैं, टोटल 20,000 रुपये उसके कट गए और उसके बाद से फ़ोन नंबर भी बंद है, सब कुछ बंद है। सेम सिनेरियो एक और हुआ दूसरे उस तरीके में, क्या हुआ कि एक सोफा बेचने वाले थे मेरे फ्रेंड, उन्होंने उनके साथ ऐसे ही ट्रांजेक्शन करने की कोशिश हुई लेकिन उन्होंने एंड टाइम पे बोल दिया नहीं अगर लेना है तो कैश में ही लेना पड़ेगा, नहीं तो मैं बैंक अकाउंट ट्रांजेक्शंस कुछ भी नहीं करूंगा, आपको अपनी मैं बैंक डिटेल नहीं दूंगा। अब मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, वैसे तो कैश में डीलिंग करना अच्छी बात नहीं है लेकिन अगर आप अपना पैसा बचाना चाहते हो, अपनी 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 प्राइवेसी की सुरक्षा करना चाहते हो, अपने फाइनेंशियल डेटा की सुरक्षा करना चाहते हो तो ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर आप डेटा जो डालें अपना वो बहुत संभाल के डालें। दूसरी चीज़ जो लोग इन वेबसाइट्स के थ्रू आपको कॉन्टैक्ट करते हैं उनको आप अपना कोई भी अकाउंट नंबर OTP वगैरह ना दें, आप कैश में ही डील करें, कोशिश करें कि वो आपके नियर अबाउट या लोकल का ही व्यक्ति हो तो ज़्यादा बढ़िया है, वो आए आपसे सामान लेके जाए और आपको पैसा दे के जाए कैश में, वो ज़्यादा बेहतर है ना कि आपके वो अकाउंट में डाले। अगर अकाउंट में डालता भी है तो आज की डेट में दो तरीके से फ्रॉड हो रहा है, एक तो वो आपको QR कोड भेजेगा, बोलेगा ये QR कोड मैं आपको भेज रहा हूँ ये स्कैन कर लो, और दूसरा ऑप्शन होता है कि वो आपके फ़ोन पे OTP भेजेगा। अगर आप मुंबई वगैरह से हैं तो डेफिनेटली OTP नहीं देंगे आपको, वो QR कोड भेजेगा, लेकिन आप छोटे इलाके से हैं तो वो आपको OTP भेजेगा। जनरली ये ट्रेंड मैंने देखा है क्योंकि मुंबई वालों के संग जो फ्रॉड हुआ वो QR कोड के थ्रू हुआ और यहाँ पे मैं सिलवासा में छोटी जगह पर रहता हूँ तो वहाँ पे OTP के जरिए फ्रॉड हुआ। तो ये आप ध्यान रखें कि कुछ भी OLX जैसे प्लेटफॉर्म्स या इसकी सिमिलर प्लेटफॉर्म्स हैं तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कोई फाइनेंशियल डेटा नहीं देना और जो भी डीलिंग करनी है आपको कैश में ही करनी है, आपको अकाउंट के झंझट में नहीं पड़ना है, कोई चेक वगैरह के झंझट में नहीं पड़ना है। यहाँ पे बस मैं यही कहना चाहूँगा, मुझे नहीं लगता इस केसेस में OLX जैसी कंपनीज की कुछ फॉल्ट है। रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो आपका एड डिस्प्ले कर रहा है अपनी वेबसाइट्स के ऊपर तो कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है वो कंट्रोल शायद नहीं कर सकते हैं। अगर वो कंट्रोल कर भी सकते हैं, मान लीजिए कि ID बना के ही आप कोई ऐड देख सकते हैं या अपनी पहचान बना के भी देख सकते हैं, तो आज की डेट में फेक IDs तो बहुत ज़्यादा बनती हैं। फिर भी अगर OLX जैसे प्लेटफॉर्म्स अगर इस मसले के ऊपर कुछ कर सकते हैं, सिक्योरिटी फीचर्स बढ़ा सकते हैं, तो डेफिनेटली मेरा रिक्वेस्ट और सजेशन यही होगा कि आप इसके ऊपर कुछ फीचर्स ऐसे लेके आए डेवलप करके इनोवेट करके कि ऐसे ट्रांजेक्शन्स या ऐसे प्रॉब्लम्स जो हैं बच सके और आपका प्लेटफॉर्म एक रिलायबल प्लेटफॉर्म बन सके। दोस्तों ये मेरी कोशिश थी कि इस तरीके के फ्रॉड के बारे में आपको बताऊं। बहुत सारे लोग जान चुके होंगे, जानते होंगे और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे, तो कोशिश करिएगा कि आप जब भी कोई कॉल फ़ोन कॉल वगैरह आए तो आप होशियार रहें, कैश में ही डीलिंग करें, सामने से माल लेके जाए आपको पैसा दे के जाए। तो यही मेरी कोशिश थी। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा जरूर, अगर आपके साथ कोई हादसा घटा है तो कमेंट्स में बताइए ताकि दूसरे लोग भी अवेयर हो सकें। अगर अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ताकि लोगों तक ये बात पहुँच सके, और सब्सक्राइब कर लेना है प्रसून की पॉकेट को, मैं ऐसी वीडियो आपके साथ लेके आता रहता हूँ। मिलूंगा आपसे फिर किसी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बी सेफ बी अवेयर।